हेलो दोस्तों, चैम्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। चैम्स एजुकेशन में आज हम सीखेंगे अबाकस लेवल 1 क्लास 6, सिंपल टू डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। दोस्तों, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुछ दोस्त हमारे चैनल को हम इंडिया से बाहर भी पसंद कर रहे हैं, जैसे ओमान में हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज आप हमारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। आखिरी में आज हम कुछ टेस्ट बनाएंगे आपके लिए, जिनको आप चेक कर सकते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा और आप परफेक्टली आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आज हम आपको टू डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कराएंगे अबाकस से, एंड फिंगर टेक्निक से भी कराएंगे। तो हमारे वीडियो को आज शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा, जिससे आपको हमारा वीडियो पसंद आए। हमने एक ऑनलाइन प्रोग्राम भी शुरू किया है दोस्तों। अगर आप घर बैठे बैठे कहीं पर भी हो, आप चाहे हो, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं अबाकस की, अपने बच्चों के लिए, अपने लिए टीचर ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको बुक्स की जरूरत है, बुक्स आपके पास नहीं है, तो हम लोग बुक्स भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। अबाकस टूल भी आपको, उसमें एक अबाकस टूल होगा, बुक्स होंगी, और इसके लिए हम आपको अपना ईमेल आईडी अभी इसी वीडियो में शेयर कर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर नीचे लिखा हुआ है। आप उस ईमेल पर हमें राइट करिए, लिखिए, हमें बच्चों की एज बताइए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको बुक्स कोरियर करा देंगे। आप उसके बाद आप ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस वीक में वन क्लास होगी, और उसके बाद बच्चों को होमवर्क दिया जाएगा। बुक्स में होमवर्क होता है, क्लास वर्क दोनों होते हैं। एज के अकॉर्डिंग बच्चों की बुक्स डिसाइड की जाती हैं, तो उसके लिए आपको एज, उनका नाम, अपना एड्रेस ईमेल पर हमें लिखकर भेजना होगा। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं अबाकस लेवल 1 क्लास 6 टू डिजिट एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 क्वेश्चंस हैं, जिनको हम अबाकस की मदद से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 24, 50, 25। जैसे यह टेंस है और ये वंस है, तो अब हम यहां से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा 24, 24। तो इस तरह से हमने 24 को ऊपर कर दिया। उसके बाद 50 है, तो 50, 50, क्योंकि ये 5 है और इधर 0 है, तो 50, 50 बन गया। ये टेंस है, ये वंस है, तो ये 50। अब हमारा आंसर आ गया 74। अब फिर हमने लिया 25, तो यहां से 2 और यहां से 5, तो ये बन गया 25। तो टोटल आंसर हमारा आ गया 99। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, 459, 257 और 299। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन अगला 32, 15 एंड 51। अभी हम प्लस कर रहे हैं, इसके बाद हम माइनस के भी करेंगे। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों, इसको जीरो करते हैं। सबसे पहले थे 32, तो 32, टेंथ प्लेस पर 3 है और वर्स्ट प्लेस पर 2 है, तो 32। आफ्टर दैट 15, तो 1, 5, 15। आफ्टर दैट 51, 5, 1, 51। तो आप आंसर देख रहे हैं 9, 8, 98। तो दोस्तों, अबाकस से हम बहुत जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं 55, 22, 11। तो पहले हम अपने अबाकस को जीरो करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 55, 55, 55, 22, 22, 22, 11, 11, 11। तो हमारा आंसर आप देख रहे हैं अबाकस पर आ चुका है 8, 8, 88। आप अपने कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, और वैसे भी आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपल एडिशन है, ये बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। उसके बाद हम आगे कैरी और बोरो भी कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जो हमारे लेवल 2 में स्टार्ट होंगे। तो
अभी हम अगला क्वेश्चन लेते हैं 20, 50, 20। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, 20 यानी टेंस प्लेस पर है तो हमें 2 करना होगा, उधर की वैल्यू 0 है, 50 को नीचे ले आएंगे 5 को, एंड आफ्टर 20 अदर फिर 20 हम 2 ऊपर करेंगे तो बनेगा 9090। अब चेक कर सकते हैं आंसर 9090 आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 72, 11 एंड 10। तो पहले बात इसको 0 कर दीजिए, 72 ले लिया हमने, 11 आ गया हमारा, 10 1 इधर से ऊपर कर दो 10th प्लेस से और हमारा वहां पर 0 है, तो अब आंसर आ गया हमारा 93। अभी हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 80, 12 एंड 5। तो 80 के लिए हमें 8 ऊपर करना होगा, 3 नीचे से और 5 ऊपर से नीचे आ जाएगा तो 80 हो जाएगा, 8 0 80, 12 1 2 12 देन 5 5 को हम यहां से ले आएंगे तो नेक्स्ट हमारा आंसर आ गया 97। तो यहां से हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 12 25 51। 1 2 12 तो 1 2 12 हो गया हमारा, 25 2 5 25 एंड 5 1 51। तो आंसर हमारा आ गया 88। तो दोस्तों अब हमने आपने अभी सीखा एडिशन, टू डिजिट सिंपल एडिशन। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे टू डिजिट सिंपल सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे हम दोनों को आसानी से कर सकें। तो हमने कुछ क्वेश्चंस यहां पे लिए हैं, जैसे आप देख रहे हैं 15, 30, -45। तो हम बैकस में सबसे पहले 15 ले देते हैं, तो 1 5 15 देख रहे हैं आप यहां पर, 30 नेक्स्ट ले लिया आपने 30, उसके बाद आ रहा है -45। तो आप -45 के लिए वही हम 4 को डाउन कर देंगे एंड 5 को अप कर देंगे, तो दिस इज 45, -45 हो गया तो हमारा आंसर आ गया 0। यहां पर हमारा आंसर आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 23, 15, -20। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, 15, -20। तो हम यहां से शुरू करते हैं 23, 15, 1 5 15 आफ्टर द -20। तो -20 के लिए हमें 2 डिजिट 10th से नीचे करना होगा तभी -20 हो जाएगा। अभी आंसर आ गया है हमारा 1818। तो आप देख सकते हैं यहां पर आपका आंसर 1818 ही आएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं 22, 50, -22। तो अभी हमने अबाकस को फिर से हमें 0 करना है, तो सबसे पहले 22, तो हमने 2 2 22 कर दिया है, 50 5 0 50 कर दिया हमने यहां से, एंड -22। तो -22 के लिए हमें ये 2 दोनों डिजिट नीचे करनी होंगी, 2 2 22। तो नेक्स्ट आंसर हमारा आ गया 5 0 50। तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारा 5 0 50 आ गया। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 33, 51, -22। तो अब हम ले लेते हैं इसको 0 करते हैं, 33 के लिए हमें 33 दोनों साइड से 33 ऊपर कर दिया हमने, 33 51। तो ये 5 हो गया, ये 1 हो गया, 51 -22। तो -22 के लिए अगेन हम 22 माइनस कर दिया हमने, तो आंसर आ गया 62। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर 62 है, 3 और 1 4 4 -2 2 5 3 8 8 -2 6। तो आंसर हमारा 62 वहां पर भी आ रहा है और यहां पर भी हमने 62 लिख दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 72 अगेन आया 25 2 5 25 अगेन 55 -55। तो अब हम -55 के लिए दोनों बिट्स 5 नंबर ऊपर कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया 42। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि आंसर हमारा 42 आ गया है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 70 -50 20। तो अब हम यहां से 70 को पहले बनाएंगे, तो 7 0 70 -50
माइनस 50 को हम ऊपर कर देंगे और अगेन आया 20, तो 20 यहां से हम ऊपर ले लिया हमने, तो हमारा आंसर आ गया 40, हमने 40 लिख दिया। अब आंसर आगे चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारा 90 माइनस 20 एंड 12, तो हमने 90 के लिए 9 को ऊपर कर दिया, आपको वन हैंड से करना होगा, जिससे हमने आपको बताया कि आपका अबैकस जो स्टूडेंट अबैकस है उसमें फिंगर थंब से नीचे और फिंगर से ऊपर वाले को हम यूज करते हैं, ऊपर के लिए फिंगर नीचे के लिए थंब, तो इस तरीके से हम करेंगे 90 माइनस 20, जो माइनस 20 हमने कर दिया, अगेन 12, तो 1 2 12, तो आंसर आप देख रहे हैं हमारा आ गया 82। तो आप चेक भी कर सकते हैं 2002, 0 0 कट गया तो 2 बचा, 9 2 गया 7 1 8 82 आ गया। तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन फिंगर टेक्निक से करेंगे। फिंगर टेक्निक, जैसे कि हमने आपसे बात की थी कि हम फिंगर टेक्निक भी आपको सिखाएंगे, तो फिंगर से हम कैसे 2 डिजिट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने आपके सामने लिए हैं, इसको हम फिंगर टेक्निक से करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा टेंस लेफ्ट हैंड होता है एंड राइट हैंड में हमारा वंस होता है, तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं 72, तो 7 हमने टेंस प्लेस पर लिया एंड 2 72, अगेन हमने लिया 25, तो 2 5 25, तो हमारा आंसर आ गया 97। अब हम आंसर में आगे नीचे क्वेश्चन है -45, तो हम -40 के लिए 4 डाउन करेंगे एंड यहां से 5 कर देंगे, तो हमारा आंसर आ गया 52, 5 2 52, तो हम लिख देते हैं यहां पर 5 2 52 लिख देते हैं, तो ये हमारा हो गया 52। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम 63, 6 3 63, अगेन 1 2 12, माइनस का 1 2 12 है, तो 1 2 12, माइनस 12 कर दिया हमने, अगेन लेते 26 2 6 26, तो आंसर हमारा आ गया 77, तो हम लिख देते हैं यहां पर 77। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 25 20 एंड माइनस 30, तो 2 5 25 एंड अगेन 20, तो 2 फिंगर को ऊपर कर देंगे 20 हो गया एंड माइनस 30, तो हम माइनस 30 कर देंगे, तो आंसर हमारा आ गया 15 1 5 15, तो यहां पर लिख देंगे 1 5 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 25 माइनस 50, तो हमने 50 यानी 5 हमारा टेंस प्लेस पर हो गया एंड 4 वंस प्लेस पर हो गया, 54 अगेन आया 25, तो 2 यहां से आ गया एंड 5 यहां से आ गया, तो 2 5 25 हो गया एंड -50, तो -50 हमने डाउन कर दिया 5 को, तो आंसर आ गया 2 9 29, अब हम यहां लिख देंगे 2 9 29, आप चेक कर सकते हैं हमका आंसर बिल्कुल सही होगा, 29 ही आएगा। आगे चलते हैं 77 22 माइनस 80, तो 77 के लिए हमें 7 इधर चाहिए और 7 इधर चाहिए, 77, अब उसके बाद आगे 22, तो 2 2 22, अगेन आगे -80, तो -80 कर दिया हमने, तो आंसर आ गया हमारा 1 9 19, तो हम यहां लिख देंगे 1 9 19। इसी तरीके से हम आगे अगला क्वेश्चन लेते हैं 30 50 माइनस 60, तो 30 के लिए हमें 3 फिंगर चाहिए, तो 3 कर दिया हमने, 30 50 5 50, ऐसे हमने 5 निकाला तो 50 हो गया एंड -60, तो -60 हमने 6 को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो हमारा आंसर आ गया 2 0 20, तो हम यहां लिख देंगे 2 0 20, आप करके देख सकते हैं तो आंसर 20 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 82 माइनस 11 एंड 25, तो हमें 82 के लिए हमें 82 माइनस 11 11, दोनों साइड से माइनस हो जाएगा एंड अगेन आ गया 25 2 5 25, तो हमारा आंसर आ गया 9 6 96, तो हम यहां लिख देते हैं 9 6 96, जैसा कि आप देख रहे हैं आपका आंसर यहां पर 96 ही आएगा, चेक कर सकते हैं तो 96 आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके लिए हमने बोला था शुरू में कि हम आपको कुछ टेस्ट बनाकर देंगे, आप तो आप उस टेस्ट को अपने
अबैकस से कर सकते हैं, अपने फिंगर से भी आप कर सकते हैं, और आप चेक कर सकते हैं कि आपने इस लेवल वन को क्लियर किया है या नहीं किया है। ये एक टेस्ट है आपको देखने के लिए कि आपने कितना सीखा है। तो टेस्ट हमारा बन गया है, ये देखिए टेस्ट है, ऊपर आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो है वो एडिशन के क्वेश्चन है एंड नीचे सब्ट्रैक्शन के साथ दिए गए हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। तो इसको आप अपने घर पर करके देख सकते हैं कि आपने अभी तक क्या सीखा है। तो आशा करते हैं कि आपने ये क्वेश्चन आप अपने एक पेन पेपर पर आप लिख सकते हैं। लिखने के बाद अपने अबैकस से या फिंगर टेक्निक से भी हम लोग कर सकते हैं, जैसा कि हमने आपको अपने 5 वीडियोस में हमने आपको फिंगर टेक्निक्स भी सिखाई थी कि फिंगर टेक्निक से हम कैसे कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर इस टेस्ट को पूरा करके देखेंगे ताकि आपको ये पता चले कि आपने अब कितना सीखा है। तो हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, गुड बाय।